यानी जो सोशल एक्टिविटी हैं, जो सामाजिक या आपके ऊपर जो लोगों की तरक्की के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, वो जगह जहाँ पर कहीं गैप है, यानी एजुकेशन कमीशन है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम वहाँ काम करते हैं जो गैप है, जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उसी सिलसिले में आज हम अपने एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये पिछले तकरीबन कोई 2 क्वार्टर से ये हमारा 3rd ट्रेनिंग है एजुकेशन प्रोजेक्ट। रीजन के हम 2024 में जब एंटर होना चाह रहे हैं तो हम बड़े कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज के साथ एंटर होना चाह रहे हैं, तो एक बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है कि कैरिटास जो है वो ऑलमोस्ट 61 नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर कह लें, कैरिटास कम्युनिटी स्कूल कह लें, अभी पाकिस्तान में हमारे चल रहे हैं। And we have target that in coming years, maybe 1 or 2 years, we would like to make it on a number like 100 number के करीब हम लेके जाना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में। आपने देखा है कि जो बैनर है उस पर स्ट्रेटजीज भी लिखा हुआ है, उसका मतलब यह है कि हम चाह रहे हैं कि हम जब जनवरी में एंटर हो तो उससे पहले हमारे पास काफ़ी अच्छा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारे इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम का, अंडर विच वी आर रनिंग कैरिटास कम्युनिटी स्कूल्स जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है रन कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा नेक्स्ट फ्लो ईयर है 24, 25, 26 और 27, इन 4 साल में हम एटलीस्ट कुछ 2-3 हज़ार बच्चे रनिंग ईयर में उनको एजुकेशन के इस जो छोटा सा कंपोनेंट है बट इज हैविंग अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट, उस ग्रेट इम्पैक्ट को जो है वो हम महसूस करें। So thank you Caritas Pending for organizing and hosting this training program. Thank you very much Caritas Multan, Caritas Lahore, आपका training services from करने के हवाले, Caritas Faisalabad for your participation also, and Caritas Pending for hosting. Thank you very much. God bless you. व्हाट इज एजुकेशन, तो मैंने लिखा है कि यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्योंकि एजुकेशन से आपको कॉन्फिडेंट आता है ताकि आप दूसरों के साथ बातचीत कर सकें। व्हाट इज एजुकेशन, ब्रिंग अप न्यू थिंग्स, ये सीखने सिखाना काम है। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन जो है हमें सिखाती है कि हम गुड मैनर्स से कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। ये है कि बाहर कोई प्लेस है या फिर कोई कम्युनिटी कोई जगह दे देती है तो वहाँ पर बैठ के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद हो जाता है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। इसमें ज़्यादातर बच्चों को एक्टिविटीज़ के जरिए सिखाया जाता है, जॉयफुल लर्निंग मैथड्स के जरिए सिखाया जाता है। ये है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में और दूसरे फॉर्मल एजुकेशन में फ़र्क जो होता है। 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में वहाँ पे स्कूल नहीं होना चाहिए, अगर वहाँ पे ऑलरेडी स्कूल मौजूद है क्योंकि उन लोगों के पास एजुकेशन की फैसिलिटी है, लेकिन वो कम्युनिटी अगर वहाँ पे बच्चे फिर भी नहीं जाते वो कम्युनिटी की विलिंगनेस जो है वो उस चीज़ में नहीं है। आपने कोशिश करनी है क्योंकि हमारा है कि हमने रीचिंग टू दी अनरीच चिल्ड्रन, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता वहाँ पे जाके हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। टीचर्स उनको बिठाती हैं, उनको पढ़ाती हैं, क्या आपका डिफरेंट क्लास के बच्चे होते हैं आपके पास, तो आप उनको कैसे मैनेज करती है, कैसे बिठाती है ताकि आपकी वाइट बोर्ड की उन तक सही से रसाई हो। कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, तो उन बच्चों को आपने क्लासरूम में कैसे मैनेज करना है। कर सकते हैं और क्यों यूज कर सकते हैं।
दफ़ा जब आप स्कूल में अकेले किसी प्रोग्राम को मैनेज कर रही होती हैं या कोई इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो काम के बर्डन की वजह से कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। और अगर आप लोगों ने बच्चों की शेयरिंग, पेरेंट्स की शेयरिंग अगर उस प्रोग्राम में है, अगर वो रिकॉर्ड नहीं की है या प्रोग्राम की पिक्चर्स ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि आपने वो डे सेलिब्रेट भी किया। तो उसके हवाले से अब था, हम प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं कि कौन से प्रोसेस में हमें कल जो 8 स्टेप थे प्रोसेस के। अब हम हमारे पास जो बच्चे हैं वो सबको पता है कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो हम मल्टी ग्रेड, जो नए टीचर्स हैं उनको पता है मल्टी ग्रेड क्या होता है। जो हमारे ऐसे सेंटर्स हैं जो 1 से 5 तक हैं, और जो कुछ हमारे सेंटर हैं जो 2 से 8 तक चल रहे हैं हमारे पास, यानी 2 से 8 तक के क्लासेस भी हैं और 1 से 5 तक क्लासेस भी हैं। तो इन बच्चों को, क्योंकि हर बच्चे का आप टीचर हैं, हर बच्चे का जो लर्निंग का जो एक लेवल है वो डिफरेंट है। कई बार होता है कि हम अपने गेस्ट्स के जरिए से हम बता रहे होते हैं, हम आंखों के इशारे से कह देते हैं कि हाँ ये काम करना है या नहीं करना है।